संगीता यादव माननीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। माननीय सभापति जी, ये जो बिल है क्यों आया है, मैं सुबह से अपनी सभी माननीय सदस्य को सुन रही हूँ और मैं वो बातें रिपीट नहीं करूँगी जो माननीय सदस्य इसमें बोल चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ बातें आई हैं जो मैं बोलना चाह रही हूँ। जैसे अभी कई लोगों ने बोला ये बिल लाने की ज़रूरत ही क्यों है, तो मैं बताना चाहती हूँ सदन को कि यह कोई नया बिल तो है ही नहीं। जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया था, ये उसी समय लिख दिया गया था कि न्यायिक डीलिमिटेशन किया जाएगा, ये उसी की अगली कड़ी है। और जैसा कि माननीय सभापति जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा भी कि यह बिल जो है वह 70 साल से जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए हैं, जिनकी आज तक अनदेखी की गई है, ये उनको न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का बिल है, जिनके पास सब कुछ रहते हुए एक शरणार्थी के रूप में दर दर भटक के जीवन जीते रहे और अपने हैसियत से बहुत नीचे का स्तर जिए, ये उनको न्याय दिलाने का बिल है। और उनकी ऐसी हैसियत नहीं है माननीय सभापति जी कि वो चुनाव लड़के सदन में जा चुके, ये बिल जो है ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की संवेदनशीलता को दिखाता है, दूरदर्शिता को दिखाता है कि ऐसे लोगों का आवाज़ सदन में कैसे पहुँचे। तो मैं उनके लिए मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने ये बात सोची कि कैसे हम पीओके के क्षेत्र में भी एक आरक्षण का प्रावधान किया है, एक सीट का। और अभी जैसे कि मेरी सीमा बहन ने बोला, अभी मैं उस बिल पे आगे नहीं बोलूँगी, उसमें उन्होंने बोला भी कि महिलाओं के लिए भी घाटी में से 2 नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, उसमें से 1 महिला का होना अनिवार्य है। तो यही लोकतंत्र का मंदिर है। अभी पिछली बार हम लोगों ने नारी शक्ति अभिनंदन बिल को पास किया है, तो ये उसकी कड़ी में नारियों को सशक्त करने के लिए एक जम्मू कश्मीर में किया गया है। और माननीय सभापति जी, मैं इसमें बताना चाह रही हूँ कि इसमें एक चीज़ और आई है, विधेयक में दुर्बल और शोषित वर्ग की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग, मैं उसमें भी सुन रही थी, लोग बोल रहे थे। अब चूंकि मैं ओबीसी समाज से ही आती हूँ, तो ओबीसी समाज के लिए बहुत गर्व का विषय है। और मैं इस बिल से हटके थोड़ा एक बात और, आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैं यादव समाज से हूँ और बहुत बड़ी बात हुई है, तो मैं थोड़ा उसमें ज़रूर एक बिल के बीच में थोड़ा सा लीक से हटके बात करना चाहूँगी। माननीय सभापति जी, आज ये मैं यादव समाज से हूँ और ये यादव समाज के लिए बहुत बड़ी बात हुई है, गर्व की बात है। और चूंकि मैं यादव हूँ, यूपी से हूँ, तो मुझे ही कई बार कहते थे क्या बीजेपी में जुड़ी हो, ऐसा मैंने खुद सुना है। आज उन सब के बाले गाल पे तमाचा टाइप का लगा है जो आज हुआ है। माननीय सभापति जी, आज एक हमारे बड़े भाई मोहन यादव, जो महाकाल की नगरी के विधायक हैं, वो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। और माननीय मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री शिशु प्रधानमंत्री दोनों के लिए आज यादव समाज ऋणी हो गया है। और मैं फिर अपने यहीं से बैठ के अपने सभी यूपी के भाई बहनों को भी कहना चाहूँगी कि जो भी ये सोचता है कि यादव समाज में बीजेपी का जाना गलत है, ये उनके लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल अब हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। माननीय सभापति जी, मैं बस आगे अपनी बिल पर थोड़ा बोलना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं। धारा 370, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस और लॉ के स्टूडेंट रही हूँ, मैं 5 मिनट तो लूँगी ही। धारा 370 के बारे में मैं पॉलिटिकल साइंस और लॉ के स्टूडेंट रही हूँ, तो जब भी मैं ये शब्द पढ़ती थी टेम्परेरी, तो मुझे चिढ़ होती थी, मुझे क्यों, आम जनता को भी चिढ़ होती थी कि टेम्परेरी शब्द को हटाने में इतना टाइम। लेकिन बाद में जब मैं पॉलिटिक्स में आई, तब मुझे मालूम पड़ा कि उस टेम्परेरी शब्द को हटाने के लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, लोगों की सहमति चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये करने का केवल साहस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी में था, गृह मंत्री जी में था और भारतीय जनता पार्टी में था। और जो हमारा एक जो सपना था, अब मैं बोलूँगी तो है थोड़ा सा अब बात, धन्यवाद। ओके, लास्ट वन मिनट ठीक है। देखिए, मैं अभी जब से ये धारा 370 हटा है, मैं 2 बार मुझे घाटी में जाने का अवसर मिला। इसके पहले मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मेरे परिवार भी कभी परमिशन नहीं देता था कि उधर घूमने जाओ,
लेकिन दो बार मैं गई वहाँ, मेरी नाविकों से बात हुई, छोटे दुकानदारों से बात हुई, होटल के वेटर से बात की मैंने, ऐसे मैंने जनरली घोड़ों वालों से बात हुई, वैष्णो देवी गई तो मैंने जनरली पूछा कि भाई क्या चेंज आया है, तो उन्होंने सिर्फ तीन चार बातें जवाब दिया कि भाई देखिए मैडम बच्चे कम से कम स्कूल जा रहे हैं टाइम पे, अब दहशत का नहीं माहौल है, पर्यटन बढ़ा है तो रोज़गार बढ़े हैं, और सबसे बड़ी बात क्या बोला उन्होंने कि अब ये लग रहा है कि हम भारत से अलग नहीं हैं। ये जो शब्द था, जो जैसे कि हमारे माननीय गृहमंत्री 2000 मैं उनकी स्पीच सुन रही थी 2019 में ही बोला था कि रातों रात कुछ नहीं होगा, लेकिन 370 हटने के बाद से अलगाववाद की समस्या खत्म होगी। ये मैंने दोनों बार की विजिट में महसूस किया। माननीय सभापति जी, अब चूँकि आंकड़े तो हमारे भाई बहन बहुत बोल चुके हैं तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन कुछ कुछ खाली चीज़ें बोल दे रही हूँ ताकि इन बातों की पुष्टि हो सके कि मैंने जो बात की है उन्होंने जो कहा वो सही है। थैंक यू। पर एक मिनट 94 2014 टोटल आतंकवाद की जो घटनाएं 40,164 थी, अभी 2014 से 23 में 2000 हो गए, 70% की कमी आई है। मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप निश्चिंत रहे, जो लोग बोल चुके हैं कुछ नेता। अच्छा एक बात और बताऊं, जैसे पत्थरबाजी में हम लोग उस अखबार में पढ़ते थे, अरे खून की नदियां। यू मेड योर पॉइंट मैम, यू मेड योर वेरी इंपैक्टफुल पॉइंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्री रामचंद्र जांगड़ा।